नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में पंचायत चुनाव की आहट भी सुनाई देने लगी है। माना जा रहा है कि अगस्त महीने में पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी हो सकती है, और पंचायत चुनाव को लेकर जो दूसरी जानकारी है, लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों के कई सवाल होते हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग कर भी रहा है, उसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सर से, और समझने की कोशिश करेंगे कि चूँकि कोरोना का काल है, दूसरी लहर तकरीबन ख़त्म हुई है, तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, तो क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने और सरकार के स्तर से क्या तैयारी की जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार के स्तर से क्या तैयारी की जा रही है सर चुनाव को लेकर? देखिए, जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो गवर्नमेंट ही तय करती है। चुनाव भले राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं, सारी व्यवस्था, EVM कैसे आएंगे, बैलेट पेपर कैसे आएगा, बैलेट पेपर जहाँ क्या ज़रूरत है, ये सारी व्यवस्था, कहाँ प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा की ज़रूरत है, कहाँ फोर्स की ज़रूरत है, सारी व्यवस्था सरकार करेगी। चुनाव का तय करने का अधिकार पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को है। कोरोना और बाढ़ की दृष्टि को देखते हुए कि किस स्थिति में है, उसके बाद वो घोषणा कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं सर सरकार के सामने भी। एक तो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, दूसरा बिहार के कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उन इलाकों में चुनाव को संपन्न कराना, और फिर कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच, उस डर के बीच बिहार में पंचायत चुनाव को संपन्न कराना। देखिए, बाढ़ का प्रोटोकॉल देखा जाएगा तो भी चुनाव रुकते हैं, और कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी चुनाव रुकते हैं। हमने इसी के लिए शुरू में ही कहा कि दोनों के प्रोटोकॉल को देखने के बाद जब स्थिति सामान्य होगी तब चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। बिहार में दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं सर, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और राजनीतिक दल भी उस हिसाब से अपनी तैयारियां करती हैं। BJP की भी कोई खास तैयारी है पंचायत? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही आपको बता सकती है, क्योंकि हमको तो दायित्व तो है, पार्टी का मैं वर्कर जरूर हूँ, लेकिन सरकार का दायित्व है। हमारे यहाँ सभी अलग अलग दायित्व देखते हैं, पार्टी के संगठन का काम कोई और देखता है। हम लोग सरकार में, हमारे यहाँ ड्यूअल पॉलिसी नहीं है, एक पद पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तो पार्टी के लोग तय करेंगे कि क्या करना है। दो बच्चों से जिनके ज़्यादा होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी खबर आई, फिर बाद में ये खबर आई कि नहीं, वो चुनाव लड़ पाएंगे, और इस बीच ये एक बहस भी चल रही है सर, ये हमारा आखिरी सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर BJP की राय अलग, JDU की राय अलग। देखिए, कानून जब बनेगा, आज जितने लोग बिहार में हैं उसके 2 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं आगे के दिनों में। कानून उनके लिए बनते हैं जो नए लोग होते हैं, आगे के दिनों में जो कानून होंगे यही होगा, इसलिए ये कोई गलत कन्फ्यूजन नहीं है। बिहार हो कि उत्तर प्रदेश हो, जिस दिन कानून बनेगा उससे 12 महीने का एग्जेम्पशन मिलेगा, और 12 महीने तक यदि किसी को 2 से 3, 4, 5 जो भी हो जाए, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कानून अब बनने का समय आया, ये मैंने बात रखा है कि पहले नगर निकाय में ये व्यवस्था है। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरी पार्टी भी ये चाहती है कि बिहार और देश में अब जनसंख्या का एक कानून बने जिससे कि पूरे देश में जनसंख्या पर ध्यान दिया जा सकता। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से, और अपनी व्यस्तता के बीच इन्होंने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए हम इनको धन्यवाद भी देते हैं। तो कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।